नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास ठेकरे। आइए जानने का प्रयास करते हैं भारत में कृषक आंदोलन। इससे पहले हमने जानने का प्रयास किया था भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण और जनजातीय आंदोलन कौन कौन से हुए थे। साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि 1857 से पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों का क्या योगदान रहा है। ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई मध्यम वर्ग और उच्च वर्गीय के अलावा कृषकों ने भी भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था या नहीं। आइए देखते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य का एक प्रमुख अंग भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढांचे के अधीन सने सने टूट गई। नवीन भूमि व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए। ग्रामीण भारत में नई प्रकार के सामाजिक वर्ग उभरे। जीवन यापन के अन्य साधन कम होने के कारण देश में भूमि पर बोझ अधिक बढ़ गया और उसका मूल्य भी बढ़ गया। सरकारी कर तथा जमींदारों का भार अत्यधिक होने के कारण कृषक साहूकारों व्यापारी तथा व्यापारियों के चंगुल में फंस गए। अनुपस्थित भूस्वामित्व, परजीवी बिचौलिए, लोभी साहूकार, इन सभी ने मिलकर कृषक को अधिकाधिक निर्धनता के गड्ढे में धकेला। इसने एक नवीन प्रकार का प्रलोभकारी वर्ग उत्पन्न कर दिया। अब कृषक को विदेशी ही नहीं अपितु स्थानीय शोषणकारियों तथा पूंजीपतियों से भी निपटना था। 19वीं शताब्दी में कृषकों की अशांति विरोधों, विद्रोहों तथा प्रतिरोधों में प्रकट हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा ढीला करना था। उन्होंने भूमि भाटक बढ़ाने, बेदखली तथा साहूकारों की ब्याजखोरी के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। उनकी मांगों में मौरूसी अथवा दाखिलकार अधिकार और भाटक के रूप में अन्न के स्थान पर धन का निश्चय करना था। वर्ग जागृति की अनुपस्थिति में अथवा कृषकों के सुव्यवस्थित संगठन न होने के कारण कृषकों के विद्रोहों ने राजनीतिक रूप धारण नहीं किया, परंतु 20वीं शताब्दी में वर्ग जागृति आई तथा किसान सभाओं की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के दशक में किसान सभाएं अधिक वामपंथी राजनीतिक दलों जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी दल तथा भारतीय कम्युनिस्ट प्रभाव आई। यहाँ पर हमने ये देखा कि किस प्रकार से कृषक 1857 से पहले कम एक्टिव थे, वहीं 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में और 19वीं शताब्दी के अंत में इनके अंदर ज़्यादा राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमतों के द्वारा इन पर ज़्यादा अत्याचार किए जाने लगे थे। साथ ही इसका एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में और शुरुआत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने के कारण निम्न वर्ग और किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख पक्ष यह था कि देश में बार बार अकाल पड़े तथा भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग मृत्युग्रस्त हो गए। इस काल में भारत के भिन्न भिन्न भागों में 24 छोटे बड़े अकाल पड़े, जिनमें लगभग 2,85,00,000 लोग मारे गए। 1876, 78, 1896, 97 तथा 1899 और 1900 के भीषण अकालों से स्पष्ट हो गया कि उत्पीड़क भूमिगत नीति का क्या फल होता है। सूखे तथा अकालों से ग्रामीण प्रदेशों में शांति तथा व्यवस्था इतनी बिगड़ गई कि ग्रामीण धनियों की तो बात ही क्या, नगर निवासियों तथा प्रशासकों के दिल भी दहल गए। नगर 1880, 1898 तथा 1901 के अकाल आयोग ने यह स्पष्ट किया कि सरकार के राहत कार्यों का मुख्य उद्देश्य देश में परोपकार नहीं अपितु संपत्ति की संख्या को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। अब हम देखते हैं
कि 1855 और 56 में हुए संथाल विद्रोह के बारे में, क्योंकि हम जैसे कि बात करते आए हैं कि 1857 से पहले किसानों के विद्रोह कम देखने को मिलते हैं, बल्कि हमें जनजातीय विद्रोह अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो प्रबुद्ध वर्ग या फिर उच्च वर्ग है, इनके विद्रोह भी हमें कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी तक इन्हें ज़्यादा किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं थी अंग्रेजी सरकार से। इसीलिए जो छोटे छोटे शासक थे या फिर छोटे प्रकार के जनजातीय लोग थे, उनको समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसके कारण हम देखते हैं कि इस समय जनजातीय आंदोलन काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। संथाल भी एक जनजाति है, हालांकि यह जनजाति कृषक थी, इसीलिए हम इसे कृषि आंदोलन या फिर कृषि विद्रोह के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि संथाल विद्रोह का क्या योगदान है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। संथाल एक शांति प्रिय तथा विनम्र लोग थे, जो आरंभ में मानभूम, बाड़ाभूम, हजारीबाग, मिदिनापुर, बांकुर तथा बीरभूम प्रदेश में रहते थे, जो भूमि वे लोग शताब्दियों से जोत रहे थे। 1793 की स्थायी भूमिकर व्यवस्था के अनुसार अब वह जमींदारों की हो गई थी। जमींदार की अत्यधिक मांग के कारण इन शांति प्रिय लोगों को अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसना पड़ा। दोस्तों, याद रखिए कि आपको किसी भी विद्रोह या फिर किसी भी आंसर में डेट और उसके स्थान को स्पष्ट तरीके से लिखना है, ताकि वो हाईलाइट हो सके और जांचने वालों को ये समझ में आ सके कि आपने वाकई पढ़ाई की है। इसीलिए किसी भी आंदोलन की डेट या फिर किसी भी विद्रोह का स्थान आपको याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। इस पर पिछले वर्ष एक ऑब्जेक्टिव बना था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई, तो इसका आंसर 1793 है। इस तरह से आपको डेट और स्थान अच्छे से याद करने होंगे। कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। शीघ्र ही जमींदारों ने इस भूमि के स्वामित्व का दावा कर दिया। बंगाल तथा उत्तर भारत के साहूकारों ने यहाँ सूदखोरी आरंभ कर दी। जैसा कि एक लेखक ने कलकत्ता रिव्यू में लिखा था कि संथालों ने देखा कि उनके उपज, उनके पशु, वे स्वयं और उनका परिवार भी उस ऋण के लिए साहूकारों के हाथों में चला जाता था, जो यह सब कुछ दे देने पर भी शेष रह जाता था। सबसे घृणित बात यह थी कि संथालों ने देखा कि पुलिस, भूमिकर तथा न्याय प्रशासक भी इन्हीं साहूकारों का पक्ष लेते थे तथा उनसे बलपूर्वक धन प्राप्ति तथा बेदखली इत्यादि करते थे। संथालों का मुख्य क्रोध तो बंगाल तथा उत्तरी भारत के तथा तथाकथित सभ्य लोगों के विरुद्ध था, परंतु जब उन्होंने देखा कि अधिकारी वर्ग भी उनकी रक्षा करने के स्थान पर शोषणकारियों का पक्ष लेते हैं, तो उन्होंने दो भाइयों सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में यह घोषणा कर दी कि वे देश को अपने अधिकार में ले लेंगे तथा अपनी सरकार स्थापित कर देंगे। उन्होंने भागलपुर तथा राजमहल के बीच ताल तथा रेल व्यवस्था भंग कर दी। संथालों ने कंपनी के राज की समाप्ति तथा अपने सूबेदार के राज्य के आरंभ की घोषणा कर दी। दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए आपको अपने माइंड को क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ, इसे सामान्य रूप से भी समझाया जा सकता है, लेकिन इस तरह से समझाने में ये होगा कि एक तो आप बात सुनकर भी आपको याद होगा, दूसरा देखकर भी, और तीसरा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़कर नोट्स भी बना सकते हैं और आप खुद पढ़कर याद भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और साथ ही आप ये समझिए कि ये एक प्रकार से किसी भी प्रकार की किसी एक फिल्म की स्क्रिप्ट है। यहाँ पर जो सिद्धू है वो है रामचरण और जो कान्हू है वो है जूनियर NTR। तो इस तरह से आप अपने मन में बैठाइए कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर सिद्धू और कान्हू बाहर निकल कर आते हैं और फिर संथालों के लिए लड़ते हैं और फिर आगे जाकर वो मेजर वर्रो की सेना को काफ़ी बुरी तरह से हराते हैं और बहुत मुश्किल से जब उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है, उसके बाद यह आंदोलन समाप्त होता है। ये भी किसी एक धमाकेदार फिल्म से कम नहीं है। बस आपको अपने दिमाग में इमेजिनेशन यानी कि अपने दिमाग में परिकल्पनाएँ बनानी हैं और सोचना है, बस आप चीज़ों को समझने लगेंगे।
अब देखते हैं 1857 के विद्रोह में किसानों की क्या भूमिका की। क्या वाकई राजा महाराजाओं और सैनिकों के अलावा भी किसान इस विद्रोह या फिर इस भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभा रहे थे या नहीं, आइए जानते हैं। यद्यपि इस विद्रोह में कृषकों की भूमिका के विषय में कोई एक प्रकार का चित्र नहीं मिलता, फिर भी अवध तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषकों ने जमींदारों की कठोरता को भुलाकर सामंत साहू से मिलकर विदेशियों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। यानी कि स्वतंत्र रूप से इन्होंने अपना कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन जो शासक वर्ग थे या फिर जमींदार थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उनका साथ इन्होंने जरूर दिया था। विद्रोह के दिनों में जब लॉर्ड कैनिंग ने उनके भूमि में स्वामित्व के अधिकारों को समाप्त कर दिया, तो यह एक प्रकार से उन लोगों को दंड देने का उपाय था जिन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया था। परंतु विद्रोह के पश्चात सरकार ने परिस्थितियों की व्यवस्था के कारण सामंतशाही वर्ग को बनाए रखने को सोचा था कि ये लोग अंग्रेजी साम्राज्य के साथ मिलकर एक सामाजिक दीवार की भूमिका निभाएं। इसलिए 1857 के पश्चात भूमिकर व्यवस्था अवध के ताल्लुकदारों से की गई और उनकी अधिकतर भूमि उन्हें लौटा दी गई। यही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ दंड नायकों तथा कर संबंधी अधिकार दे दिए गए, दाखिलकारों के अधिकारों की अवहेलना की गई और अवध के मुख्य आयुक्त ने 1859 के बंगाल किराए अधिनियम की धाराएँ अवध प्रदेश में लागू करने से मनाही कर दी। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेशों में कृषकों को इस विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए दंड के रूप में कुछ अधिक कर देने पर बाध्य किया गया। 1740 से 1857 के बीच कृषकों ने कोई अधिक आंदोलन नहीं किए, केवल आदिवासी कृषकों ने अनेक स्थानों पर आंदोलन किए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किसानों ने आंदोलन क्यों नहीं किए। इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि अकाल के कारण वैसे ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे, इसके कारण वे आंदोलन करने की क्षमता नहीं रख पा रहे थे। दूसरा, उनमें एकता का अभाव था। तीसरा, उनके पास कोई अच्छा नेता नहीं था। आगे चलकर हम देखते हैं कि बारदोली और चंपारण जैसे सत्याग्रह हमें 20वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि आर्थिक शोषण उनका इतना ज़्यादा हो चुका था, अंग्रेजों के द्वारा उन पर इतना ज़्यादा कर था कि वे कर चुकाते ही अपनी पीठ के बोझ को दबा बैठते थे और अधूरे से अपने जीवन में हो जाते थे, जिसके कारण उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता था, बस पैसे कमाए और उन्हें अंग्रेजों को देने पड़ जाते थे। साथ ही साहूकार और जमींदारों की दमनात्मक नीतियां या फिर इनके शोषण भी कई प्रकार से उन्हें आंदोलन न करने के लिए बाध्य करते थे, और साथ ही उनकी जो अशिक्षा थी या फिर सामाजिक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं वह भी उन्हें एक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राज्य का नागरिक बनने से रोकती थी। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने सबसे पहले देखे, आप यहाँ पर इन्हें कारण, जो पहला पैराग्राफ है ये एक कारण के रूप में है कि कृषक आंदोलन क्यों हुए। फिर जो दूसरा पैराग्राफ है, अगर ये पूछा जाए कि 1757 से 1857 के बीच कृषक स्थिति बताइए, तो आप दूसरा पैराग्राफ को ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी के किसानों की स्थिति के बारे में बताता है। फिर तीसरे पैराग्राफ से ये होता है कि यहाँ पर भी कारण बताया जाता है कि कृषक आंदोलन क्यों शुरू हुए। यहाँ पर अकाल के विषय में बताया जाता है कि अकाल बहुत ज़्यादा पड़े, जिसका प्रतिरोध के रूप में किसानों ने आंदोलन किया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रमुख आंदोलन के रूप में 1855-56 का संथाल विद्रोह देखते हैं। फिर उसके बाद हम 1857 में कृषकों की प्रमुख स्थिति देखते हैं कि उन्होंने 1857 में क्या किया। इसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं कि 1740 से 1857 के बीच कृषक आंदोलन केवल आदिवासियों के द्वारा ही किए गए। इस प्रकार से हमने यह जानने का प्रयास किया कि कृषक आंदोलन क्यों हुए। अगर ये 5 नंबर में भी आते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ ही आदिवासी आंदोलन के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। वेयर गिल्स कहते हैं, अपने एवरेस्ट खोजिए, उन्हें फतह करना ही असली रोमांच है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।